बढ़िया हो गई, लाइट्स सब एक सी हो गई हैं। अब हमने सोचा इसका प्रोजेक्टर्स जो ये फॉग लैंप है ये जीटी लाइन वाले चेंज करा देते हैं। ये है किया वालों की नई कार कार्निस। आगे से तो बहुत बुरी लग रही है यार ये। अभी जो है मैं आया हूँ किया पे, जो अपनी सेल्टोस थी यहाँ पर दी थी सही कराने के लिए, तो वो ले लेते हैं और देखते हैं कितना काम हो गया, सारी चीज़ें देखते हैं। तो अंदर चलते हैं सबसे पहले और देखते हैं उसमें क्या क्या काम हुआ और कैसा काम हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी जो है बिल्कुल सही हो चुकी है। अब हमने सोचा है इसका प्रोजेक्टर्स जो ये फॉग लैंप है ये जीटी लाइन वाले चेंज करा देते हैं, और इसमें छोटे मोटे स्क्रैचेस थे वो सही करवा लिए हैं। बाकी गाड़ी आगे से रबिंग वगैरह कर दी है, कोई भी स्क्रैच नहीं दिख रहा है, तो बढ़िया हो गए। और अभी जो है चलेंगे, इसमें भी बल्ब लगवा लेंगे वाइट वाले, जिससे जो है नीचे के और ऊपर की लाइट सेम हो जाएंगी। तो अभी भैया लेने गए, अंदर चलते हैं वर्कशॉप और फिर इसमें काम कराते हैं। नई कार देखने जो नहीं आई है तो देखते हैं कौन कौन सी किया हमें नई कार सही है, फिर उनका रिव्यू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये अपना वाला ही मॉडल है, ये है किया सेल्टोस का टॉप मॉडल, और इसमें स्टीयरिंग जो है हम सोच रहे हैं याला चेंज कराने के लिए स्टीयरिंग, और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। मैं बैठ कर देखता हूँ, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी, सीट कवर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके, बहुत स्मूथ है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इसका, और छोटा सा बॉस के स्पीकर हैं जो अपने उसमें भी हैं, मगर कलर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, और सनरूफ भी है, मैं सनरूफ दिखाता हूँ। अच्छा सनरूफ पैनारोमिक नहीं है मगर ठीक है सनरूफ, बाकी अच्छी लग रही है। एलॉय व्हील तो सेम ही है, एलॉय व्हील थोड़े बहुत चेंज है, बाकी हमने जो है अपने उसमें याले प्रोजेक्टर लगवा लिए हैं वाले चेंज करा के, और ये लगने के बाद ये अच्छे लगेंगे। और अभी चलेंगे बल्ब चेंज कराने। अब न्यू वाले में डिस्क ब्रेक भी है, पीछे से कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ लोगो चेंज है, बाकी एज इट इज़ है जैसे अपनी है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ये है किया वालों की नई कार कार्निस, उसका शेप भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आगे से तो बहुत बुरी लग रही है यार ये, तो एलॉय अच्छे लग रहे हैं बस इसके, ये चीज़ अच्छी लग रही है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, बाकी ये एलईडी वाले चार्जिंग नहीं है, ये भी प्लास्टिक है पूरा, लेदर टच नहीं है, और स्टीयरिंग भी काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी इतना कुछ खास नहीं है स्टीयरिंग इसका, इंटीरियर भी कुछ खास नहीं है, बाकी सनरूफ भी नहीं है। और पीछे से कुछ ऐसी दिख रही है कार्निस, और साइड व्यू उसका ऐसा है, ठीक है। सेवन सीटर किया की, ये किया की एक्सेसरीज फाइनली इंस्टॉल हो चुके हैं इसके फॉग लैंप, जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, अभी जलने के बाद और अच्छे लगेंगे। की अभी लेकर आते हैं और जला के देखते हैं, बस इसमें ये बल्ब रह गए हैं जो इससे मैच करा के अभी चल रहे हैं, वो चेंज करवाना है, बाकी गाड़ी वॉश वगैरह कर दी है और काफ़ी सही लग रही है, सभी लेके चल रहे हैं, बिल वगैरह हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, अब चल रहे हैं यहाँ से मार्केट की तरफ, मार्केट में देखेंगे इसके बल्ब, क्योंकि शोरूम में नहीं मिलते हैं HID बल्ब जो चाहिए होते हैं हमें, अब तो मार्केट ही लेना पड़ेंगे, तो अभी चल रहे हैं मार्केट और वहाँ से लगवाएंगे। भूख भी लग रही है तो कुछ खाएंगे उसके पहले, फिर चलेंगे मार्केट। अभी बाइक जो है हमने लगा दी है वॉशिंग के लिए, जब तक वो लोग आ रहे हैं और भैया जो है वॉश करेंगे, भैया बढ़िया करके वॉश कर देना है, बढ़िया हमारी गाड़ी बढ़िया करके वॉश करते हैं, तो बाइक वॉश हो जाएगी तो शाम को ले जाएंगे यहाँ से। तो अभी चल रहे हैं कार के बल्ब डलवाने, पेट्रोल डला रहे हैं, 4:03 हो रहा है, और सुबह से सिर्फ ब्रेकफास्ट करा था, अभी तक कुछ नहीं खाया, तो सबसे पहले कुछ खाएंगे उसके बाद बाकी काम बाद में। भैया बाइक दे दी है वॉशिंग पे और अब चल रहे हैं मार्केट की तरफ। तो फाइनली बल्ब भी चेंज हो चुके हैं, ये पूरे जल चुका, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, अभी रात को देखेंगे एक बार इसकी फोकस कैसा है, अभी तो लगा दिए हैं दिन में, रात में और चेक करेंगे, और कुछ वायर नहीं कटा है, बाकी कपलर टू कपलर काम हो चुका है। बिल्कुल बढ़िया हो गई, लाइट्स सब एक सी हो गई हैं।
फाइनली घर पहुंच गया था और आज काफ़ी थक गया था, दिन भर जो है गाड़ी में काम कराया और गाड़ी जो है काफ़ी अच्छी लग रही है लाइट्स लगने के बाद, और प्रोजेक्टर भी प्रोजेक्टर में जो बल्ब लगाया हमने वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, और फॉग लैम्प तो आइस क्यूब वाले थे, वो नई वाली उसमें या टॉप मॉडल में आते हैं वो करीब 19,000 के हमें पड़े, और जो हमने प्रोजेक्टर में बल्ब लगाए वो करीब 4,000 के थे, तो काफ़ी खर्चा हो गया। स्क्रैच जो भी थी वो सब ख़त्म करवा लिया, जहाँ पे हल्की फुल्की थी वो सब काम करवा लिया, बिल्कुल बिल्कुल गाड़ी चमक गई थी, और लाइट जो है रोड में बहुत अच्छा फोकस था उनका, और हमें जीटी लाइन की रैपिंग भी करानी थी थोड़ी, जो जीटी लाइन की रैपिंग वो हो नहीं पाई क्योंकि भाई जो थे वो मिले नहीं, तो उनके पास था नहीं वो कलर, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे, वो नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा मैं आपको वो करा के। तो अभी जो है गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, अब उसमें एक काम आ रहा है कि उसका स्टीयरिंग चेंज करवाना है, तो डी स्क्वायर वाला कह रहे थे, पता नहीं कौन सा कह रहे थे, वो वाला लगवाना है, तो भैया से कह दिया है, शोरूम पे कह दिया है, वो अवेलेबल होगा जब ऑर्डर लगा दिया है, तो याला हटा के वाले लगेंगे, जिस दिन वो लगेंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि वो कैसा लग रहा है। मैंने देखा वहाँ पर अंदर कार जो खड़ी थी उसमें टॉप मॉडल में, तो काफ़ी अच्छा फील आ रहा था, तो अंदर देखा काफ़ी, आज हमने एक्सप्लोर करा, शोरूम में भी दिखाया, काफ़ी चीज़ें दिखाई और लाइट्स भी दिखाई। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।